साहब जी, ये बारिश नहीं रुकने वाली है, आ गई है तो आती ही रहेगी। बारिश इसी तरह होती रही तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। हाँ। देखिए ठाकुर साहब आ गए। नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते इंजीनियर साहब। सरकार अब हम घर चले क्या? चुपचाप खड़े रहे तू। ठाकुर साहब, हर साल से इस साल बारिश ज्यादा हो रही है और इस डैम को 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनवाया था, इसीलिए तो अभी तक काम चल रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ, बड़ी बात है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। बताइए हमें क्या करना होगा। डैम पानी से भर गया, इसलिए रिपेयरिंग का काम बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, डैम को उत्तर की तरफ छेद करके पानी को बाहर निकालना। अगर ऐसा करोगे तो हमारे खेतों को नुकसान होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो गांव डूब जाएगा कह रहे हैं। तुम्हें गांव प्यारा है कि खेत प्यारा है? और वैसे भी वो सिर्फ आपके अकेले के खेत नहीं है, ठाकुर साहब के भी है ना। वहाँ खेत खलिहान डूबने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर गांव वाले सुरक्षित रहने चाहिए। आप क्या कहते हैं राम मोहन जी? गांव वालों के सामने अपना बड़प्पन दिखाना मेरा कोई शौक नहीं है। अब क्या करें ठाकुर साहब? ठीक है, खेत खलिहान डूबने से अगर इन्हें नुकसान होता है तो पूरी जमीन की कीमत मैं देने को तैयार हूँ। ये नुकसान मैं ही वहन करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, किसी की दी हुई भीख की हमें जरूरत नहीं है। ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। तो और क्या करूं? हमें पैसे दिखा रहे हैं, ज्यादा पैसे हैं तो डैम फटने वाला है, बोलो उसी में डाल दें। उनका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ गांव की भलाई चाहते हैं। चुप करो साहब, गांव कह रहा है गांव, मुझे पता नहीं है क्या? मैं और मेरा परिवार तकलीफ में था तो मदद की थी तुम्हारे गाँव ने? बताओ हमारी आँखों से आंसू नहीं, खून खून के आंसू बह रहे थे, तब किसी ने हमदर्दी दिखाई थी क्या? अब किस मुंह से बोल रहे हो? तब लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे? चलो यहाँ से। चलो भाई चलो। मालकिन पानी लीजिए। गोविंद, तेरे मालिक नहीं पूछेंगे तो खाना तो क्या, पानी भी नहीं पिएंगे। पहले उन्हें जाकर पूछो क्या चाहिए। ठीक है मालकिन। मालिक पीने के लिए पानी लाऊं क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी मालकिन ने दवाई ले ली ना। मालिक मेरी समझ में नहीं आता, आप मालकिन की चिंता करते हैं और मालकिन आपकी चिंता करते रहती हैं। जब आप दोनों एक दूसरे की चिंता करते ही हैं तो इस घर में मेरी क्या जरूरत है? आप आराम से बैठिए, मैं दूध लेकर आता हूँ। सुनो। जी मालिक। मुझे ये दूध वूध कुछ नहीं चाहिए, पहले जाकर जरा पुरोहित को बुला लाओ। जजमान, आप दोनों की कुंडलियों को अच्छी तरह से पढ़ा है मैंने। उच्च स्थान में रहने वाले गुरु शुक्र दोनों निचले स्थान पर आ गए हैं, इसलिए आपकी मन की शांति भंग हो गई है और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। पंडित जी एक बात बताइए, क्या करना है यही बताने के लिए तो आपको बुलाया गया है। मैं भी 5 सालों से कहता आ रहा हूँ, पर मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया आपने। अब भी समय बाकी है, आप जल्द से जल्द बेटा बेटी पोता पोती को बुलाकर अपने साथ रखेंगे तो इससे मन की शांति और इनकी तबीयत में भी सुधार होगा। क्या मालिक आप भी इतना सोच विचार करेंगे तो कैसे चलेगा? मालकिन की सेहत जरूरी है या आपकी जिद जरूरी है? पुरोहित जी जो सलाह दे रहे हैं वो मान जाइए। गोविंद सबको आने के लिए कह दो। हेमा, अर्जेंट काम था कह देना, इसीलिए नहीं आ पाया, वरना ससुर जी नाराज हो जाए। वहाँ सब आए होंगे, सिर्फ आपको छोड़ के। तुम भी ना, मैंने जो कहा वो कहना, बिजनेस में ऐसा होता ही रहता है। सालगिरह की डेट फिक्स होते ही एक फोन कर देना, इमीडिएटली आ जाऊंगा। ये लो। ठीक है। हाँ, और तन्नू कहाँ है? तन्नू जल्दी आ बेटी। डैडी, अरे जल्दी आ बेटी, जल्दी आ, जल्दी आ। हाँ चलिए, वैक्सीन लेने गई थी। जा जल्दी, बाय बाय। ओके, आराम से चढ़ना। आजा। बाय डैडी। बाय। आपकी तबीयत कैसी है ससुर जी? अभी ठीक है बेटा, डॉक्टर ने ज्यादा सोचने से मना किया है। ससुर जी कॉफी लीजिए। शिवा कहाँ है बेटी? आम के बाग में गए हैं।
नाना जी। अरे बेटा तनु, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई क्या? इस साल MBBS कंप्लीट हो जाएगा। क्यों बेटी, 5 सालों से एक ही क्लास में पढ़ रही हो, मजा आ रहा है क्या? बेवकूफ, MBBS ऐसा ही होता है। अच्छा मालिक, एक बात बताइए, वो पिछले साल पहली में था, अभी दूसरी में है, वो तीसरी में था, अब चौथी में है। ये हर साल कहती है एमए बस में हूँ, एमए बस में हूँ, आगे ही नहीं बढ़ती है। अब ये क्या पढ़ती है भगवान जाने। मैं अंगूठा छाप हूँ लेकिन मुझे सब पता है। पापा, कॉफी वहीं पे रख दो। अरे सुनना, ये कुत्ते तब से भौंके जा रहे हैं। पहले इन्हें खाने के लिए कुछ दे दे, फिर उन्हें बांध देना। उस घर का शोर इस घर में सुनाई ना दे, इसीलिए कुत्तों को भौंकने पर लगा रहा हूँ। वो शोर नहीं है छोटे सरकार, खुशियाँ है। ठाकुर साहब की शादी की सालगिरह है ना, इसलिए गांव से रिश्तेदार और बेटी के बच्चे सभी आकर खुशियाँ मना रहे हैं। ये तो मरने की उम्र है, शादी की नहीं। वही सरकार, 60 साल में करते हैं ना शादी, उसको क्या कहते हैं वो, तो हाँ षष्ठी पूर्ति। दिल के दौरे से बुढ़िया पहले ही ऊपर जाने वाली थी। शादी की सालगिरह तक जिंदा रहेगी या जनाजा निकलेगा कौन जानता है। मरने की उम्र में सालगिरह मनाने चले हैं। तुम लोग चुप क्यों हो गए, भौंको। माँ, अपना नेकलेस देती हूँ, इसी में रख दो। क्या हुआ माँ, भैया की याद आई? 28 साल बीत गए माँ, फिर भी आप उसे भूल नहीं पाई? इतने सालों से ये चीजें जितनी हिफाजत से हैं, वैसे ही पुरानी सभी यादें मेरे दिल में हिफाजत से हैं। एक बार उन सबको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा है। मालिक, मालकिन अपने बड़े बेटे के परिवार से मिलना चाहती थी। क्या हमारे खानदान की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर जो भाग गए हैं, उसके लिए अभी भी इसके मन में इतना प्यार है? हमारा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके परिवार से दुश्मनी क्यों? जब वही नहीं रहा तो उसके परिवार से हमारा क्या संबंध? बेटा नहीं रहा तो क्या, लेकिन उसके बच्चों का क्या हमसे कोई संबंध नहीं? इतने सालों तक चुप रही, आज अचानक ये प्यार कैसे जागा? इतने साल मुझे जिंदा रहने की एक उम्मीद सी थी, पर अब लगता है कि शायद उन्हें देखे बिना ही मेरी आंखें बंद होगी। गोविंद, मुंबई से उन्हें भी बुला लो। चित्रा वोदोत, पैकिंग बड़ी जोरों से चल रही है, कहाँ जा रही हो? आप ही गेस करो भैया। तेरे पति के घर तो नहीं जा रही है ना? माँ देखो ना। माँ तो देख रही है, कहाँ जा रही है बताना, धर्मस्थल या तिरुपति? धर्मस्थल भी नहीं और तिरुपति भी नहीं, दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरी जगह पे? हमें बुलाने वाला कोई रिश्तेदार यहाँ पर नहीं है, कहाँ जा रही हो माँ? सिर्फ हम दोनों नहीं जा रहे बेटा, तुम भी आ रहे हो। मैं भी, कहाँ पर? तेरे दादाजी के गांव। दादाजी के गांव? हाँ बेटा, सभी लोग जल्दी आ जाओ, ऐसा टेलीग्राम भेजो। 5 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। जल्दी पैक करना छुट्टी। हम मुंबई से आए हैं। ओह, आप लोग हैं मेम साहब, इतनी रात को कौन आया समझा, मालकिन आपका ही इंतजार कर रही हैं। आइए। माँ जी की तबीयत अब कैसी है? अभी तो ठीक है,
आपके आने की खबर सुनकर और भी ठीक हो जाएंगी। आइए आइए आइए, आओ बेटा आइए आइए। मालकिन, मुंबई से आपके पोते पोती और बहू आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? चित्रा। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? दसवीं। और तुम? लॉ कंप्लीट किया। मालकिन, आपका पोता तो वकील है। इतने प्यारे बच्चों के साथ जीवन बिताना छोड़कर बेटा चला गया। क्या मालकिन, आप भी अपने परिवार के सामने ऐसे रोती रहेंगी तो कैसे चलेगा? रोना आपकी सेहत के लिए खराब है, डॉक्टर ने कहा है ना। आप आराम कीजिए मालकिन। मेरी बहू बच्चों को जाकर उनका रूम दिखाओ। आप लोग अपने दादी से मिले, अब आप लोग अपने दादा से मिलिए। आप लोगों को देखकर बहुत ही खुश होंगे। आखिर खून का रिश्ता खून का ही होता है। आपके दादाजी नींद से उठकर आ गए थे ना, इसीलिए ऐसा हो गया। सुबह उठकर देखना, सब ठीक हो जाएगा। सफर करके थक गए होंगे, अब आप लोग आराम कीजिए। ये सब क्या है माँ? उन्होंने बुलाया इसलिए इतनी दूर आ गए ना, पैर तक नहीं छूने दिया। नाराज मत होना बेटा। माँ, उन्होंने हमें यहाँ इसलिए बुलाया है कि दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं है। चलो माँ चलते हैं, उनकी बेइज्जती सहन करके हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत। सच है बेटा, हमें किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ हमारा अपना कोई ना हो तो जीना कितना मुश्किल होता है तुझे नहीं पता। जब तेरे पापा जिंदा थे, उन्होंने हम सबको इस घर में लाने की कोशिश की, सबको मनाते रहे, और इतने सालों बाद ऐसा मौका मिला है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तूने भी देखा ना, हम सबको साथ देखते ही दादी माँ कितनी खुश नजर आ रही थी। हाँ भैया, मेरा हाथ पकड़कर दादी माँ ने तेरा नाम क्या है पूछा तो मुझे रोने का मन कर रहा था। रवि, कुछ भी हो जाए, शादी की सालगिरह होने तक हमें यही रहना होगा। जितने भी दिन रहे, हम सबके साथ हंसी खुशी से रहेंगे। ठीक है माँ। मेरी दाढ़ी पर ध्यान दो। सरकार, देखिए ना, वो मशीन कितनी अच्छी है, बिना औजार के सफाई कर रही है। आपका पोता शहर जाते समय अगर मुझे दे देगा तो उसके बाद मैं हर दिन सुबह उठ के आपकी उसी से सफाई कर दूंगा। है ना? ओफो, सुबह सुबह कौन है ये? इसकी तो अरे बावरे। क्यों बुआ? क्या कर रही हो? मैं तेरी बुआ नहीं हूँ, चाची हूँ। चाची हो? मुझे पता नहीं था ना। अरे अरे, ये सब तेरा काम नहीं है बेटा। अरे अरे, रहने दे। अरे, होटल में ऐसे सारे काम करने के पैसे मिलते हैं, पर घर का काम करने का मजा ही अलग है। हमारे घर में माँ की मैं मदद करता हूँ, पता है? ग्राइंडर में आटा डालती है, स्विच में ऑन करता हूँ, खाना पकाती है, परोसती है, खाने वाला मैं होता हूँ। अच्छा, घर में ग्राइंडर मशीन होते हुए ये करने की क्या जरूरत? अरे तेरे दादाजी है ना, उन्हें ग्राइंडर में पीसा हुआ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं चाची माँ, एक छोटे से घाव के लिए इतना परेशान मत हो। ये प्यार की ममता आंखों में क्यों नहीं दिखी? कल रात को आप में से किसी ने भी बात नहीं की। अगर हम लोग बात करते तो तेरे दादाजी बहुत गुस्सा हो जाते, इसीलिए हम लोगों ने बात नहीं की। सासु माँ, आटा ले आइए। हाँ हाँ, अभी आई। आप रुकिए ना, मैं लेकर जाता हूँ। बुआ, गाँव में रहती हो? नहीं, हुबली में।
हुबली की लड़की होकर एक चोटी डालती हो, अगर दो चोटियां डालोगी ना डेट तो मनीषा को रेला दिखोगी। अरे इस उम्र में दो चोटियां किसके लिए? अरे दो चोटियों के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती। आप घूम जाइए, दिखाता हूँ मैं, इसमें तो मैं माहिर हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। वाह, कोई कुछ भी समझे हमें क्या। आप सुंदर हैं, आपके बाल भी बहुत सुंदर हैं, कुल मिला के आप सुंदर दिखोगी। आहा, अब अगर आपको अंकल इस रूप में देखेंगे ना तो सेकंड हनीमून पक्का। चलो डांस करो। अरे नहीं यार, छोड़ो। ये क्या कर रही हो? बड़े बनाने कहा था, बाल बनाकर खड़ी हो और इस उम्र में दो चोटियां। अरे नहीं दीदी, ये तो मैंने भी मना किया था बड़ी बुआ, दो चोटियां डालने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, लंबे बाल काफी होते। बस करो अब अपना श्रृंगार, बच्चों को बड़ी तेज भूख लगी है, जल्दी से बड़े भेजो। ठीक है दीदी, ऐसा क्यों कहा? वो बूढ़ी है ना, जवानों को देखकर वो जलती है, इसलिए मैंने ऐसे कहा। अब सच कहूँ, अब बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह दिखती हो। ए, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? ना ना, ऐसे मामले में सच नहीं बोलता। ये फूल किसके लिए? बालाजी के लिए। बालाजी के लिए? लड़के कब से फूल पहनने लगे? बालाजी का मतलब भगवान वेंकटेश्वर। ओ, पहले बताना चाहिए था ना, हम उस देवता को वेंकटेश्वर स्वामी कह के बुलाते हैं। हमारे मुंबई में सभी बालाजी कह के ही बुलाते हैं। क्या कहा? पूरा मुंबई तुम्हारा है? पैसे देकर खरीदा है क्या? ये मुंबई की बढ़ाई मेरे सामने नहीं चलेगी। देखो इस घर में मैं सीनियर हूँ, मेरी परमिशन के बगैर फूल तो क्या एक पत्ती भी नहीं छू सकती हो, समझी? हाँ, और हाँ, वो तेरा भाई जो छिपता फिरता है वो है कहाँ? जो याद करते हैं उनके दिलों में रहता है। ओह, वो क्या भगवान है? पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारे सामने ही रहेंगे। चौंक गई? मुझे पता है, मुझे देखते ही लड़कियां चौंकती है। फॉलो मी। ओके। तुमसे नहीं कहा, चिल्ड्रन फॉलो मी। देखा भैया कितने नखरे हैं उसके? डोंट वरी, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे इसके नखरे। एक बॉल डालूंगा ना, क्लीन बोल्ड हो जाएगी। ए, उनकी अलग टीम है, हमारी अलग टीम है, तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। क्या दीदी, तुम भी, हम हमेशा तुम्हारे साथ ही खेलते हैं ना, तुम ही हो हमारी कैप्टन। गुड, छोटू तुम बॉलिंग करो। ठीक है दीदी। और बाकी लोग फील्डिंग करो। यो बच्चो, क्रिकेट खेल रहे हो या गिल्ली डंडा? हाँ, आंखों से दिखाई नहीं देता कि ये क्या है। बिना अंपायर के खेल रही हो ना, इसीलिए पूछा। हमारी मर्जी हम बिना अंपायर के खेलें या फिर बिना बैट के खेलें, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारी मर्जी से खेलने के लिए ये कोई गिल्ली डंडे का गेम नहीं है, ये क्रिकेट है, इंटरनेशनल गेम है। अच्छा, क्रिकेट के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है? मुंबई से आया हूँ यार, मुंबई से। ऑल ओपनिंग बैट्समैन आर फ्रॉम मुंबई, यू नो, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रवि भंडारकर। रवि भंडारकर, वो कौन है? मैं हूँ रविनाथ भंडारकर फ्रॉम बांद्रा। सेवा के साथ मुझे भी सिलेक्ट करने वाले थे, जीत जाएंगे सोचकर मुझे सिलेक्ट नहीं किया। मैं मारता हूँ ना, हर बॉल सिक्सर जाती है। तुम अपने सिक्सर मुंबई में जाके दिखाना, यहाँ मैं सीनियर हूँ। तेरे से पहले मेरा जन्म हुआ है, मैं सीनियर हूँ। इस घर में मैं तुमसे पहले आई हूँ, इसलिए मैं सीनियर हूँ। मैं सीनियर, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ। जाने दो, छोकरी समझकर चुप रहा तो सीनियरिटी दिखा रही है मुझे, देखोगी क्या? क्या है, सब बच्चों को अपनी तरफ करने के लिए प्लान कर रहे हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। देखोगी क्या? दिखाओ ना। देखोगी क्या? दिखाओ ना। देखोगी ना? दिखा दो। शुरू करना तेरा क्रिकेट, आज गिरा कर ही रहूंगा तेरा विकेट। रेडी। ए छोटू, ठीक से बॉलिंग करना। ठीक है दीदी। मैं चॉकलेट दूंगा, पहले मुझे खेलने दोगे? पहले चॉकलेट दो तो ही तुम हमारे कैप्टन बनोगे। इससे पहले मुझे कैप्टन बनाया था ना, तुम एम्पायर बन जाओ, हमें तो चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट दो। देखे बाज बच्चे, चॉकलेट के लिए अपना दल बदल लिया, मैच फिक्सिंग कर रहे हैं। मैं तुम्हारी टीम में नहीं रहूंगी। ले लो। ए संदीप,
उस लड़की का नाम क्या है? तन्नु। ये क्या है तन्नु मन्नु? चलो अभी उसे बुलाओ। तन्नु मन्नु चंदा बंदा तन्नु चोर है। ये शैतान बच्चे, इनको तो मैं बाद में देखूंगी। स्टूपिड। वाह वाह बहन, आपके हाथों की यही बत्तियाँ चांदी की उजाले की तरह जगमगा रही है, बहुत चमक रही है, इसीलिए आपका नाम चंदाबाई कहकर रखा है। पता है आपको? कांता बहन, तुम दाल के लिए आई हो ना, लेकर जाओ। काफी है आज का हो। नानी माँ, देखो ना नानी माँ, आपका वो नाती है ना, उन बच्चों के साथ मिलकर मुझे चंदा बंदा तन्नू चोर कहकर चिढ़ा रहा है। आपने अपनी बेटी का नाम तो इतना अच्छा रखा है, मेरा नाम क्यों ऐसा रखा? मुझसे प्यार करती है इसलिए तेरी माँ ने मेरा नाम रखा, इसमें मैं क्या करूँ? अब आप ही बताइए ना नानी माँ, बेलापुर की चंदा चामुंडी बाई MBBS, ऐसा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? आप ही बताइए, मेरी माँ को तो बिल्कुल अक्ल नहीं है, पर आप तो समझदार है ना। गुस्सा करना है तो अपनी माँ पर करो, मुझ पर गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई ना? क्यूरी छोकरी, तेरी सगी बुआ के बेटे से इस तरह से मजाक कर रही है तू, और इतनी अकड़ से क्यों बात कर रही है तू? अरे उसी से तो तेरी शादी होने वाली है। क्या, वो भेड़ के बाल वाला मुझसे आके शादी करेगा? आपने मुझे इतना बेवकूफ समझा है क्या? अभी उसे बताती हूँ। हे सिक्सर। अरे अरे, पॉल जाकर उस घर के कंपाउंड में गिर गया। ना क्यों घबराते हो, पॉल ही तो है, बॉम्ब नहीं है ना, मैं जाकर लेकर आता हूँ। सॉरी, इस बॉल के लिए आया था। मैं कौन हूँ आप जानते नहीं होंगे, पड़ोस के ठाकुर साहब का पोता हूँ मैं। उनके बड़े बेटे भास्कर थे ना, उनका बेटा हूँ मैं, नाम रवि है, मुंबई से आया हूँ। हमारे भास्कर के बेटे हो तुम? माफ कीजिएगा, बिना पूछे अंदर आ गया, लगता है आपको पसंद नहीं आया, मैं चलता हूं। लगता है आज उसका टाइम अच्छा चल रहा है। चलो चलो दादी से पूछते हैं। चले, चले, आपकी शादी हो रही है, सच है क्या? ये क्या दादी, आपकी शादी नहीं हुई, मेरी माँ की शादी तो कब की हो गई? मेरे पैदा होने से पहले ही माँ की शादी हो गई थी। दादाजी की शादी की 60वीं सालगिरह है। बाकी बचे 59 दादियाँ कहाँ है? अरे यार, 60वीं सालगिरह मतलब 60 लोगों से शादी करना नहीं, 60 साल की उम्र में शादी जैसा फंक्शन करना होता है। तुमसे किसने कहा मालिश करने के लिए? डॉक्टर मैं हूँ ना, मुझसे पूछना चाहिए था। चुप रहो चंदा, मालिश करने के लिए मैंने ही कहा, इस पैर में बहुत दर्द हो रहा था। एक उम्र के बाद ऐसा दर्द होना आम बात है। हाँ सही कहा, उस पैर की उम्र नहीं है ना, इसलिए उसे दर्द नहीं होगा। Shut up. Very funny. चली गई तितली। रवि, आते ही जाने के लिए कह रहा था, अब देखो तो यही सबके साथ खुशी से घुल मिल गए। इस घर के सभी लोग अच्छे हैं माँ। हाँ बेटा, सभी लोग तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, मुझे कितनी खुशी हुई जानता है। अच्छा तो तनु को हमेशा क्यों परेशान करता रहता है? किसने कहा माँ? उसी ने कहा, उसे बहुत बुरा लगा। पर माँ, वो तो हमेशा हमें परेशान करती है। चुप बैठ, बेचारी इतनी बड़ी हो गई है फिर भी बच्चों जैसा दिल है। ओह, अच्छी पटी पढ़ाई है उसने, अब क्या सॉरी कहना बाकी है? ऐसी बात नहीं है रवि। नहीं कह के आता हूँ ना। तू मेरी भाई
भाई भाई क्यों मार रहे हो मुझे भाई भाई अरे नहीं भाई नहीं छोड़ दो भाई मुझे मार रहे हो अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो भाई अब कैसे मारने जा रहे हैं मुझे मैं आपके पैर पकड़ता हूँ मुझे मत मारिए भाई भाई रुक जाइए अरे रुक जाइए क्या कर रहे हो भाई इतना क्यों मार रहे हो कुछ दिनों से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं भाई मुंबई से भास्कर का बेटा आया है मैंने उसे खत्म करना चाहा तो पिताजी ने रोक लिया उसका गुस्सा मुझे कहीं तो उतारना है ओहो छोटू अब इसे बंद करना मिस्टर गोविंद अंकल क्या है बेटा मैं एक सवाल पूछूंगा जवाब देंगे हाँ, पूछो अगर ये अब्दुल्ला है तो ये क्या है आपके स्कूल में ये भी नहीं बताया जाता ये अंगूठा है अरे शेख अब्दुल्ला है आप इतना भी नहीं जानते शेख अब्दुल्ला वो कैसे शहर वाले अंगूठे को शेख अब्दुल्ला कहते हैं स्टॉप 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 ये बच्चों मैटनी जा रहे हो या नाइट शो जा रहे हो मैटनी को अगर इस बैलगाड़ी में जाओगे ना तो नाइट शो में पहुंचोगे मैटनी जाने वाले सभी मेरी गाड़ी में आ जाओ एक और सीट खाली है पसंद हो तो आ सकते हो सोचा था मैं भी जाकर फिल्म देख लूंगा इस लड़के ने सारा खेल बिगाड़ दिया हाँ तो इतनी देर इतरा रही थी अब कैसे आ गई ए सुनो मैं तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आई ये मेरे नाना जी का ट्रैक्टर है इसीलिए आई मैंने कब कहा कि ये ट्रैक्टर तेरे हस्बैंड का है ऐसे क्यों मुंह फुलाकर बैठी हो मेरा पति कभी भी ट्रैक्टर नहीं चलाएगा तो फिर क्या चलाएगा ए गड्ढे में मत डालना सीधे चलाओ तब कस के पकड़ना स्पीड ज्यादा हो रही है कोई बात नहीं पकड़ लो पकड़ लो तुम्हें पकड़ने के लिए किसी और को ढूंढो इंजन बंद करो जंगली हाथी आवाज सुनेंगे तो हमला कर देंगे ये, क्या बात है अरे वाह मजा आ गया हाय हाय हेलो आपका नाम क्या है सती लीलावती नाइस नेम इसका नाम पता है मिस बेंगलोर की चामुंडेश्वर की चंदा है उसने मेरा नाम पूछा था क्या पूछ सकती है इसलिए एडवांस में बता दिया मैंने हाँ तो सती आप कहाँ से हो मुंबई ओ आमची मुंबई हम दोनों एक ही शहर के हैं ये कहाँ से है पता है बेलापुर फॉर्मेलिटी के लिए इंट्रोड्यूस करना होता है ना है, तो मुंबई में कहाँ रहती हो रेड लाइट एरिया हाँ भाई सती लीलावती यहाँ पर कैसे आना हुआ वो मेरी बड़ी माँ की बेटी ना बड़ी हो गई है सावित्री नाम है उसका उसी को ले जाने आई हूँ क्या फिगर है चलोगे क्या ए मुंह बंद करना आधे घंटे से दांत दिखा रही है मुझे आइसक्रीम मुझे आइसक्रीम नहीं चॉकलेट चाहिए ए यहाँ चॉकलेट नहीं मिलती मुंह बंद करके आइसक्रीम खा मुंह बंद करके कैसे खाऊं तनु मनु धनु शांत बैठो तुझे चॉकलेट चाहिए ना मैं दिलाता हूँ कहाँ आसमान से नहीं एंकर चिप से टन टन ये क्या हाँ जी बूम बा चॉकलेट अच्छा अरे चॉकलेट कहाँ से आया अंकल मैजिक ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं है ये एक ढोंगी है ए बुलजड़ी तुझे डाउट है तुझे कुछ तो दे मुझे हाँ ये ब्रेसलेट दे मुझे चल दे ना इस ब्रेसलेट को अब मैसूर पाक बना दूंगा बॉम्बे टू बैंगलोर बैंगलोर टू मैसूर मैसूर पाक को पाक बना दे जा हाँ? ये लो खा लो अरे ये तो सच में मैसूर पाक दीदी, दीदी वो रिंग दे दो ना और एक मैसूर पाक खाएंगे ये सारे ट्रिक्स मुझे पता है अब मेरा ब्रेसलेट दे दो खा लिया ना वो तो मैसूर पाक था तूने खाया हुआ मैसूर पाक ही ब्रेसलेट था तेरा ब्रेसलेट ही तेरा मैसूर पाक था मैसूर पाक खाने से पहले पूछती तो ब्रेसलेट दे सकता था मैसूर पाक खाने के बाद ब्रेसलेट दो कैसे दूं कहां से दूं
ए, देख कर चलना। सॉरी 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 सॉरी। क्यों बे? तू हर किसी को धक्का मारते हुए आ रहा है, तुझे दिखता नहीं है क्या? सॉरी, मैंने किसी को देखा नहीं था। अब दिख रहा है ना? मार मार मुझे। क्यों जानबूझकर झगड़ा करने आए हो? जानबूझकर झगड़ा करने आया हूँ, मार मुझे, मारना। आजू बाजू बहुत सारी औरतें हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हो? औरतें हैं तो झगड़ा नहीं करोगे क्या? मना किया था, माना ही नहीं। तुम्हें भी चाहिए क्या? मैंने मना किया था, तुम्हें चाहिए था, नहीं मारूंगा कहा था, तुम्हें मार चाहिए थी, मार दिया। ए, मेरी सेफ्टी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसे क्या दिख रहा है? चल। छोटे सरकार, भाग चलें क्या? सब की कहानी खत्म हो गई है, सिर्फ हम दोनों बच्चे हैं। कुछ भी हो मैं तो पीछे बैठ जाता हूँ। जाते समय सांप नेवले की तरह, आते समय पार्वती शिव की तरह, क्या लीला है भगवान की। हेलो हेलो, जाते वक्त बहुत इतरा रही थी, अब आते वक्त चिपक गई ना, कहा था मुझे देखकर चौंक जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए। रवि, क्या है वो? कुछ नहीं माँ। मुझे सब पता है बेटा, कुछ मैजिक बताने के बहाने तनु से तूने ब्रेसलेट लिया है ना? हाँ माँ, मजाक किया। सच बोल बेटा, कहीं तू तनु से प्यार तो नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं माँ। नहीं बेटा, दादाजी ने अब तक हमें अपने दिल में जगह नहीं दी है, अगर ये बात उन्हें पता चली तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तनु के लिए शायद अपने ही रिश्तेदारों में लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ, हम भी उसके रिश्तेदार हैं ना माँ? Excuse me. Sweets क्यों? Happy birthday to you. ऐसा कुछ नहीं है, स्वीट्स के बदले स्वीट्स। इसे खाओ और मेरा ब्रेसलेट वापस करो। ब्रेसलेट? कौन सा ब्रेसलेट? हाँ, मैजिक के लिए जो ब्रेसलेट लिया था ना, वो वाला ब्रेसलेट। मैसूर पाक देकर ब्रेसलेट ले लो। कल मैसूर पाक लेकर आऊंगी तो ब्रेसलेट दे दोगे ना? कल जो खाया था ना, वही मैसूर पाक देकर ब्रेसलेट ले जाना। हाँ? हेलो 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 हेलो, इस पैंट को थोड़ा सा ये बेबी रंगी, बाथरूम में थोड़ा काम बाकी है ना, जाकर कर लो। अभी तो रवि बाथरूम गया, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म आती है। ठीक है, नानी माँ बुला रही है, जाओ जाओ जाओ। कहा ना? अरे जाती हूँ बाबा, स्त्री भी नहीं करने देते। जाओ 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 जाओ, जब देखो। ब्रेसलेट नहीं दोगे ना? अब देखो, सबके सामने फ्री शो होगा। पैंट फट गई है। हाँ?
तेरी पैंट फट गई है। पैंट फट गई है तेरी। अरे अब बोलो क्या क्या हुआ क्या? अरे यार इस घर में सबको कुछ ना कुछ होते रहते हैं। Oh my God! कलह और कपट के इस कलयुग में भगवान का पवित्र नाम हमेशा जपते रहना ही उद्धार का एक मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी दवाई खा ली क्या तुमने? खा ली जी। खाना खाने के पहले ली या खाना खाने के बाद ली? खाने के बाद ही ली थी। That's good, my baby. शैतान मुझे नाम से बुलाता है तू? ऐसे ही मजाक में दादी। अरे दादाजी। देवी दवाई खा ली तुमने? हाँ खा ली जी। खाना खाने से पहले ली या खाना खाने के बाद ली? ऐसे हंस क्यों रही है? कुछ नहीं जी, उसने जो पूछा था वही आप भी पूछ रहे हैं। उसने? उसने कौन? वहां देखिए। चिंता मत करो दादी। तनु। बोलिए नाना जी। रवि की पैंट तुमने जलाई है? हाँ नाना जी, वो मुझे जहाँ भी मिलता है ना बहुत चिढ़ाता है, इसलिए। जरूर चिढ़ाएगा, आखिर मर्द है वो, और फिर वो नहीं तो और कौन चिढ़ाएगा तुम्हें? वो इस घर का पोता है, बड़े बड़े जमींदार उसके लिए रिश्ता लेकर आ रहे हैं हमारे यहाँ। देखो अब से तुम उसे बिल्कुल परेशान मत करना। तुम हो? हाँ मैं ही हूँ। बर्ड्स, ये लो थोड़ा सा। तनु कितनी ब्यूटीफुल है देखो। शी। कैसी लग रही है फोटो? बस एक बार सबको दिखा दे। नहीं नहीं रवि प्लीज मुझे दे दो। प्लीज 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 एक बार दिखा देता हूँ ना। नो नो प्लीज रवि प्लीज प्लीज दे दो। रवि 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 सुनो ना, रवि प्लीज मुझे दे दो। नहीं सुनूंगा, नहीं दूंगा। रवि प्लीज ये क्या कर रहे हो? ले 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 पिताजी की फोटो, ये देखिए कितनी अच्छी है। भाभी यहाँ देखिए आप कैसे आटा पीस रही हैं। ये देख तुम भी दाल को चोरी से कैसे चख रही हो। मैं चोरी से नहीं चख रही थी, नमक मिर्च ठीक है क्या देख रही थी। माँ चावल साफ करते हुए आप कितने अच्छे दिख रहे हो। मुझे लग रहा था तुम सिर्फ कंधे पे खाली कैमरा रख के स्टाइल मार रहे थे। इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा ही खींचा है। अच्छा है क्या? बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। ये हमारे लिए नहीं खींची है? नहीं मेरे लिए, मेरी एल्बम के लिए। तुम्हारे एल्बम के लिए? जी हाँ, इतने दिन दादा दादी तुम सभी कैसे हो मुझे पता नहीं था, यहाँ आने के बाद आप सभी कितने अच्छे हो पता चला। शादी की सालगिरह होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप में से कोई भी हमें दोबारा नहीं बुलाएगा। आप सबकी याद में इन सारे फोटोज को घर में इनलार्ज करके रखूंगा। एक इंटरव्यूअर आया था समझिए, मुझे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, दादाजी की फोटो के सामने खड़े होकर आशीर्वाद ले लूंगा। दादाजी मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। जब मेरी बहन की शादी फिक्स हो जाएगी आप सभी को उसकी शादी का न्योता जरूर भेजूंगा। दादा दादी तो नहीं आएंगे, आपको भी नहीं भेजेंगे। मेरे बहनों को उस फोटो के पास ले जाकर आप सबका परिचय कराऊंगा। आशीर्वाद दो कहकर आप सबसे जिद करूंगा, तब आपको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। ये फोटो आपके पास रहेंगे तो सिर्फ एल्बम में रहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये रेगिस्तान में लोग जैसे तारों को देखकर रास्ता ढूंढते हैं, वैसे ही मेरे जीवन के रास्ते में
ये फोटो सितारे हैं। आप सभी सीरियस क्यों हो रहे हो? एक और फोटो दिखाऊं क्या? रवि, ये तेरे पापा की चेन है, पहन ले बेटा। नहीं दादी माँ, दादाजी जब प्यार से गले में डालेंगे तभी पहनूंगा। हेलो, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये ड्रेस तो बहुत अच्छा है। थैंक्स। वैसे ये ड्रेस अगर रंगी पहनेगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वेरी फनी। फिसल गई क्या? संभल कर। मैं साइकिल रेस की चैंपियन हूँ, समझे? मेरे भैया रनिंग में फर्स्ट पोजीशन पे थे। कुछ भी पूछो तो फर्स्ट फर्स्ट कहती हो ना। तेरे भैया को मेरी दीदी को हरा कर दिखाने को कहो। तेरी दीदी साइकिल पे जाएगी, मेरे भैया दौड़ते हुए जाएंगे। कौन जीतेगा ये आज ही देख लेंगे। ओके, मंदिर के तालाब से जो भी पहले फूल लेकर आएगा वो विनर होगा। ओके। अरे लड़की से क्यों चैलेंज लेना? डर लग रहा है ना कि हार जाओगे? भैया ये अपनी इज्जत का सवाल है। ओहो ऐसा है क्या? तो फिर मैं रेडी हूँ। आज मेरे भैया की ही जीत होगी। रेडी, 1 2 3 4। ये क्या भैया, आप दौड़ने की जगह यहाँ आराम से लेट गए हो और वहाँ तनु निकल गई। जाने दे बहना, कहाँ जाएगी? जो गई है वापस लौट के आएगी। अरे भैया हमें नहीं हारना है, जाओ ना भैया। हार के डर से ये तो आया ही नहीं। हेलो, यू मैम बिलापुर की चंडा चमुंडी भाई। साइकिल स्टॉप हो गई क्या? एनीवे थैंक यू। किस लिए? दादी माँ ने मुझे देसी घी खिला खिला कर मुझे थोड़ा मोटा कर दिया है। आज तुमसे शर्त लगाने की वजह से मैं 2 किलो कम करूंगा, इसीलिए थैंक यू। हाँ तो तेरा वेट कितना है? 50। मैं तेरे हेड का वेट नहीं पूछ रहा हूँ, तेरा बॉडी का वेट पूछ रहा हूँ। हाँ हेड वेट अभी बताती हूँ। अब पता चला मेरा वेट? अरे रे रे, जमीन पर कैसे गिर गई? हेल्प प्लीज। अरे पकड़ना इसे, साइकिल उठानी है ना। बहुत दर्द हो रहा है, साइकिल नहीं चला सकती। तुम बैठो, मैं चलाता हूँ। क्यों रे हीरो, अपनी हीरोइन को बिठाकर पूरे गांव में घुमा रहा है? शादी की दावत कब दे रहा है? मुझे पता था ये प्यार होके रहेगा। ये दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी के हाथों में फूल है। दीदी, क्यों भैया तुम हार गए? हाँ बहना, मैं आज हार गया। क्यों वकील साहब, यहाँ केस जीत कर भी हार क्यों रहे हो? मुझे पता है ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन इस घर के जज जो दादाजी है ना, वो फैसला करेंगे तभी केस जीत पाओगे।
हेलो डॉक्टर। हाँ? घाव कहाँ लगा है? आप लगा कहाँ रही है? यही आपकी मेडिकल में सिखाया क्या? मुझे दो, मैं लगाता हूँ। इट्स ओके। कोई बात नहीं, दो। अरे मैं कहीं दूसरी जगह नहीं लगाऊंगा, जहाँ घाव है वहीं लगाऊंगा। रवि, तुम जीत गए फिर भी ये क्यों कहा कि तुम हार गए? सच बोलू या झूठ बोलू? सच बोलो। सचमुच सच बोलू? तुम्हारे पैर में पहले से ही घाव था, इस घाव पर फिर से नमक नहीं डालना चाहता हूँ। मैंने ही हार कर झूठ बोला। घाव का बहाना बनाकर टॉपिक चेंज कर दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। नमस्ते सर। नमस्ते सरकार। आप सब एक साथ यहाँ आए हैं, कोई खास बात है क्या? कल गंगा माँ का उत्सव है ना मालिक, उसी के बारे में हम आपसे बात करने आए थे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? हर साल जैसे चलते आ रहा है वैसे ही इस साल भी होगा, धूमधाम से मनाएंगे। क्या कहते हो गोविंद? ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। वो तो ठीक है मालिक, सामने खड़े रहने से सब ठीक ही होगा, लेकिन समस्या वो नहीं है। फिर क्या है? हर साल डैम के पास ही मेला लगता है, इस बार भैरव सिंह कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे ये सोचकर इंजीनियर साहब वहाँ मेला लगाने से मना कर रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो गंगा मैया देवी कैसे कहलाएंगी भला? इंजीनियर से मैं बात कर लूंगा, पूरा भार उस मैया के ऊपर डालकर वहीं मनाएंगे हम, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। आइए झूला, आइए भाई, आइए अपना अपना भाग्य आजमाइए, ये रिंग फेंकिए और सामान जीत कर लेकर जाइए। जिस चीज पर आपकी रिंग पड़ेगी वो चीज आपकी हो जाएगी। चार रिंग देना भाई। ये लीजिए भैया, लीजिए। रवि रवि, मैं भी रिंग फेंकूंगी। रुको तो, ऐसे क्यों मचल रही हो? ये लो, आप भी अपना भाग्य आजमाइए बहन जी। दीदी दीदी, उस फाइव स्टार चॉकलेट पे डालो ना। नहीं दीदी, उस बिस्किट पे डालो। ये जिस पर भी जाएगा वो मेरा होगा ना? अल्लाह कसम बहन जी, जिस चीज पर आपकी रिंग पड़ेगी आपकी हो जाएगी। तो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा मैडम, थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा। भैया भैया, वहाँ उस बिंदिया पे डालो भैया। बिंदिया चाहिए? आपकी छोटी बहन कह रही है तो ट्राई कीजिए ना भैया। ए, चुपचाप अपना काम कर, नहीं तो दुकान बंद कर दूंगा। देख अब, बिंदी चाहिए ना? देखती रहे ना। चलो, वो बाप समय दे दो। ये मेरी गल्ला पेटी है, आपको देखकर मैं बीवी बच्चों को भीख मंगवाऊंगा क्या? भैया, उस रिंग से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, दीदी और आप रिंग एक्सचेंज कर लो। हे, ये रिंग नहीं, वो वाली। ओ, ए, ये रिंग उंगली में नहीं जाती ना? दो मुझे। भैरव सिंह इंजीनियर से झगड़ा कर रहे हैं। देखिए ये अन्याय है। कौन सा अन्याय है? सरकार के गुलाम हो तुम, महीने की पगार लेते हो, चुप नहीं रह सकते क्या? बांध को तोड़ने के लिए सरकार से सिफारिश करके महान बनना चाहते हो? भैरव सिंह, अगर गांव को बचाना है तो पानी के बांध को तोड़ना ही होगा। पानी के बांध को नहीं तोड़ना है, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर आए हैं। वकील साहब बोलो ना। ये क्या बोलेंगे साहब, सब मिलकर बांध तोड़ते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। चलिए ठाकुर साहब चलते हैं। हेलो, स्टॉप स्टॉप, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे ये कानून के खिलाफ है। गांव के सभी लोगों के पानी में डूबने की बात आपका लॉ मानेगा क्या? What you know about law? You keep quiet. We got stay order from the High Court. Do you have any idea about stay order? And what it means? बांध तोड़ेंगे, बांध तोड़ेंगे। Stay order को टाइम पास करने वाली चीज समझ रहे हैं क्या? पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा। Uneducated गांव के गवार। Mr. Advocate, we may not know about the stay order, but we know how to vacate it in the court of law. We will soon send it to the open court to vacate the rate of mandamus. Do you know what is the rate of mandamus, Mr. Linga? Mr. Linga. It is asking the government not to do the duty ought to do and do the duties that is not ought to do. Is it enough for you or do you want any warrant of arrest restraining you from doing our physical activities? जैसे को तैसा मिला। क्यों जवान को लकवा मार गया? अब रवि साहब ने इंग्लिश में सवाल किया ना, उसका जवाब दो। चलो ठाकुर साहब, ये सच कह रहा है, बांध अगर नहीं तोड़ेंगे तो लोगों की जान जा सकती है कहकर कोर्ट में इन लोगों ने सबूत पेश करके प्रूफ कर दिया तो हाई कोर्ट में हमारा स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। गांव की मर्यादा बचा ली तूने, तेरा नाम क्या है बेटा?
सूर्यदेव वीर प्रताप रविदास। हाँ तो आपके दादाजी का ही नाम रखा है। शेर के घर में शेर ही पैदा होता है, समझे? दादा का नाम रोशन करने के लिए पोता आ गया है। सब लोग जय जयकार करो, चलो करो। वीर प्रताप रविराज की जय। वीर प्रताप रविराज की जय। वीर प्रताप रविराज की जय। वीर प्रताप रविराज जय। वीर प्रताप रविराज की जय। वीर प्रताप रविराज की जय। वीर प्रताप रविराज की जय। आपको इंग्लिश में बात करते हुए देखकर दादाजी का दिल मोम की तरह पिघल गया। यही सही टाइम है सीधे दादाजी के पास जाकर, दादा मैं तनु से प्यार करता हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोल के दोनों जाकर पैर पकड़ लो। चाचा ये सब क्या है? ऐसे बोलोगे तो प्यार है, वैसे बोलोगे तो पी पी पी। तुम यहाँ पर बुढ़िया की सालगिरह में आए हो, तुम्हें जो करना चाहिए वो छोड़कर इसमें टांग क्यों उड़ा रहे हो? मैं भी तो वही कर रहा हूँ, गाँव की प्रॉब्लम कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ही फैसला देगा ना। Hey, किस कोर्ट की बात कर रहे हो तुम? इस गांव के लिए मैं ही कोर्ट हूँ, यहाँ के सारे फैसले मैं करता हूँ। गिट पिट अंग्रेजी बोलकर और गांव वालों से तालियां बटोरने से वो बांध टूट जाएगा क्या? Hey, तू मर्द का बच्चा है तो बांध को हाथ लगा के दिखा। क्या कर लेगा तू? खून पी जाऊंगा खून। पहले तेरा सिर काटूंगा, कुत्तों को खिलाऊंगा, फिर तू जिसे दादा कहता है ना उस खूसट बुड्ढे की मैं काली को बलि चढ़ाऊंगा। रवि, इस चेन को दादाजी के हाथों पहनने की तमन्ना की थी ना, गांव वालों के सामने मैं खुद पहनाऊंगा। मानी चाहिए। इससे पहले तेरे बाप ने हम दोनों के परिवार को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब तुम इस गांव को तोड़कर अलग अलग कर देना चाहते हो? जिस परिवार के प्यार और विश्वास को मैं फिर से दोबारा पाने के लिए इतनी कोशिश किए जा रहा था, उस परिवार का हमसे बदला और द्वेष की भावना हमेशा के लिए बरकरार कर दी तुमने। अब इसी पल से सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, इस गांव में नहीं रह सकते। जाओ, निकल जाओ यहां से। तुम यहीं पर मिलोगे, मुझे पक्का यकीन था। दिल को बहुत चोट पहुंची होगी ना, इसी बात का ध्यान रखकर भगवान ने इस अमृत का निर्माण किया। इसको पीते ही दिल के अंदर जो भी दर्द होगा वो बाहर आ जाएगा। ये लो पी लो। तुम्हारा गुस्सा जायज है बेटा, तुम्हारे दादाजी के फैसले में इंसाफ है। तुमने जिसके साथ झगड़ा किया वो कौन है पता है? तुम्हारे दादाजी का भांजा भैरव सिंह। उनकी बहन उनकी आंखों के सामने रहे इसीलिए अपने बगल वाले घर के राम मोहन के साथ अपनी बहन की शादी करवा दी।
घर अलग अलग थे लेकिन सबके दिल एक जैसे ही थे। शादी होने के बहुत सालों के बाद भी तुम्हारे दादाजी जो गहने अपनी पत्नी के लिए लाते वही गहने अपनी बहन के लिए भी लाते थे। तुम्हारे पापा के जन्म लेने के बाद तुम्हारे दादाजी की इच्छा थी कि एक कन्या का जन्म हो। तुम्हारी बुआ ने मन्नतें भी मांगी, उसी का नतीजा है रजनी। रजनी की छोटी बहन थी अनु, दोनों बहनें बड़ी होती गईं। पूछिए जीजा जी। इसमें पूछने की क्या बात है, मेरी रजनी ने भास्कर के लिए तो जन्म लिया है। देखो बेटा भास्कर, हमारी रजनी की बहन अनु के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है। हाँ? अब तुम मान गए हो तो दोनों शादी एक ही साथ करवाना चाहते हैं तुम्हारे ससुर जी। हाँ बेटा। ससुर जी, अभी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी होने में एक साल और लगेगा, तब तक के लिए मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। ये तो कोई बात नहीं हुई, लड़की वाले इंतजार कैसे करेंगे। एक ही साल है ना, रहने दो संधि जी, भास्कर और रजनी की सगाई कर देंगे और अनु के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया हुआ है, अगर आपको एतराज ना हो तो पहले उसकी शादी कर देंगे, क्या कहते हैं आप? काम अगर नेक हो तो मुझे कोई एतराज नहीं संधि जी। तुम्हारे पापा ने वही गलती कर दी, पढ़ाई का बहाना बनाकर उस वक्त अपने आप को बचा तो लिया लेकिन एक दिन पढ़ाई भी पूरी हुई और शादी का समय आ गया। रजनी, इस दुल्हन के रूप में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। सुन, मेरी दीदी को तेरी नजर लग जाएगी, पहले नजर उतार। तू चुप कर, तेरी अकेली की दीदी नहीं है। आहा, दीदी से कितना प्यार है, हमें समझाने चला है। क्यों बहन? हाँ? दुल्हन रेडी? हाँ, है? हाँ, रेडी है। देखना रजनी, बहन की शादी है और उसी दरमियान मैं पेट से हूँ, सभी मुझे चिढ़ा रहे हैं। रजनी, अरे दामाद जी, आप लोग यहाँ है, आपके ससुर जी आपको ढूंढ रहे हैं। जी ससुर, ये शादी अगर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। भास्कर, भास्कर कहाँ गया? मुहूर्त का समय बीता जा रहा, भास्कर कहाँ गया? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, भास्कर को मैंने रेलवे स्टेशन पर देखा। रेलवे स्टेशन पे क्यों चला गया? मास्टर, हमारे भास्कर को देखा आपने? भास्कर तो अभी अभी मुंबई चला गया और ये चिट्ठी आपको देने के लिए कहा। अंकल, मैं बहुत दिनों से कौशल्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, मैं शादी उसी से करना चाहता हूँ। इस बात को पिताजी के सामने कहने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं थी। कौशल्या को धोखा देकर रजनी से शादी करना एक गुनाह होगा, इसीलिए मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। इतने दिन तक तुझे भगवान समझ के यहाँ रख के पूजा करता था, मेरी बेटी की बलि लेने वाला तू है। ये क्या बोल रहे? चुप कर। मेरी बेटी तेरे बेटे को कितना प्यार करती थी लेकिन उसने शादी के दिन ही अपने आप को जला लिया। देखो देखो तू। अपनी बहन को सामने देखते हुए भी उसका हाल चाल पूछने का भी नसीब नहीं है उन्हें। तड़पते रहते हैं तुम्हारे दादा। पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए तुम्हारे दादा उपाय कर ही रहे थे कि तुमने आकर झगड़ा कर लिया, इसीलिए तुम्हारे दादा तुमसे नाराज हैं बेटा और तुमको मारा भी। रवि, चल घर चलते हैं, भले ही मेरा कितना भी अपमान हुआ हो लेकिन तेरा अपमान नहीं सह सकती। नहीं, नहीं सुन सकती मैं तेरे बारे में, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चल चल घर चलते हैं। माँ, मेरी बात तो सुन। नहीं बेटा, तू मेरी बात सुन, उस दिन जब तू जा रहा था तो मैंने तुझे रोका, आज मैं कह रही हूँ बेटा चल यहाँ से चलते हैं। नहीं माँ, इतने दिन सब कुछ रहते हुए अनजान था, अब रिश्ते नाते संबंध क्या होता है आज मुझे पता चला, आज ये सारे संबंध भूल कर कैसे जाऊँ माँ, शादी की सालगिरह होने तक हम यही रहेंगे माँ। रवि, मेरे बच्चे, तुम पर हाथ उठाने के लिए उनका दिल कैसे माना? ऐसा कुछ होगा अगर पता होता तो मैं आप सबको यहाँ कभी नहीं बुलाता। क्या दादी माँ, आप भी उनका पोता है सोचकर दादाजी ने मुझे मारा है। दादी माँ, आपको एक बात पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने एक बार भी मार नहीं खाई, इकलौता बेटा सोचकर मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं मारा, बिना बाप का बच्चा कहकर
मेरी माँ ने भी कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज दादाजी ने मारा कहकर आप सभी दुखी हो रहे हो। लेकिन मैं उसी बहाने दादाजी ने मुझे छुआ, ये सोचकर मुझे खुशी हो रही है। सुनिए जी, मैंने पानी रख दिया। क्यों? मुंह पे लगे कालिक को धोने के लिए? गलती करने वाला तेरा बेटा ही है। बेकसूर अपने पोते को बुला के मेरी आंखों के सामने उसको थप्पड़ मार के मेरे मुंह पे चप्पल मारने जैसा है तेरा भाई। बेटी हा? सुशीला, तुम्हारे पति को समझाओगे ऐसा पागलपन छोड़ दे। क्या हुआ, मुझे समझाने आई हो? दूध। तुम पर हुए जुल्म को पिताजी भूल सकते हैं दीदी, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। अपने इन्हीं हाथों से उसे मारूंगा। दूध में पानी मिला सकते हैं, पेट्रोल में केरोसिन मिला सकते हैं, लेकिन दोनों परिवारों को कैसे मिला सकते हैं बेटा? कैसे बोले तो, मैं सीधे उनके घर जाकर मेरे पापा की गलती कहकर उनकी तरफ से माफी मांगूंगा। आप और दादाजी पुरानी बातें भूलकर एक हो जाओ, बताऊंगा। बताओगे बताओगे, जाते समय तो अकेले जाओगे, लेकिन आते समय चार जन चाहिए उठाकर लाने के लिए। तुम्हें उस घर के बारे में पता नहीं है, वहाँ के बच्चे पेंसिल छीलने के लिए तलवार उठाते हैं। तुम्हारी राम कहानी सुनने के लिए वो लोग शांति से बैठे नहीं रहेंगे। कौन सी कहानी? अरे वही कहानी सुनाएंगे सुनाएंगे, राम कहानी सुनाएंगे। आएगी आएगी, खुशहाली आएगी, भागेगी भागेगी, आपके घर की पीड़ा भागेगी, बड़ा शनि भाग जाएगा। आएंगे सुनाएंगे, राम कहानी सुनाएंगे। क्या कह रहे हो, हम तो अच्छे खासे हैं। नहीं जी सेठ, बुराई जाके अच्छा होने वाला है, दूर हुए जीजा साले एक होने वाले हैं। ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? वही सेठ, पुरानी दुश्मनी मिट जाएगी, दूध चक्कर की तरह एक होने वाले हैं। गंदा कीचड़ साफ होने वाला है। जी हाँ सेठ, आप फिर से एक हो जाएंगे, गुलाब की तरह खिलेगा आप दोनों का परिवार का संबंध। बिल्कुल सेठ, इन कुत्तों से दोस्ती करना छोड़कर इंसानों से दोस्ती करना सीखिए। दोस्ती कीजिए। छोड़ दीजिए। पक्का छोड़ दूँ? छोड़ दीजिए। छोड़ दिया। अरे छोड़ छोड़ छोड़, मुझे छोड़। अरे वाह, मर गया। तुमसे इंजेक्शन लगवाने के बदले उस कुत्ते से दोबारा कटवाना मंजूर है। इंजेक्शन है कि तलवार है? हाँ, तो आप उस कुत्ते के पास गए क्यों थे? वही तो मेरी बदनसीबी है, उन दोनों घरों को एक करने के लिए गया था। उन घर वालों की बात तो छोड़ो, उस घर के कुत्ते ने आकर काट दिया। ओके नेक्स्ट। मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो। देखो, कुत्ता काटे या खरोचे, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, वरना शरीर में जहर फैलेगा। अंडरस्टैंड? मेरी लाइफ को मैं देख लूंगा, मेरी माँ इंजेक्शन से मुझे डर लगता है। जावी, मुझे छोड़ दो। जावी, लगा दो, इंजेक्शन लगा देना। नहीं, जावी, मुझे डर लगता है। इंजेक्शन ले लो रवि, रुको। जावी, तुम्हें लेना चाहिए रवि। नहीं, मैं नहीं लूंगा। रुक जा रवि। सुनो महेश, मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे आने में दो दिन लगेंगे। ठीक है सर, जाइए, मैं सब देख लूंगा। सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा, अगर डैम में एक छोटा सा भी छेद हुआ तो पूरा गांव डूब जाएगा। जरा भी गड़बड़ लगे तो ऑफिस फोन कर देना। ठीक है सर। तुम्हें बहुत होशियारी से आंखें खोल कर सब कुछ देखना होगा। इसकी चिंता छोड़िए सर, आराम से जाके आइए, मैं सब देख लूंगा। ए, बोट इधर ला। इंजन खराब हो गया मालिक, बोट नहीं चलेगी। कैसी बातें कर रहा है, अब हम कैसे जाएंगे? मालिक, वो बोट मेरे भाई की है, वो भी रामपुरी जा रही है, अगर आप उसमें चले जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा मालिक। ठीक है, भगवान के दर्शन के लिए तो कुछ भी चलेगा। चलो मालिक, भाग चले क्या? क्यों, ये बोट उसके बाप की है क्या? चुपचाप बैठ। कुछ भी हो, पीछे बैठना ठीक रहेगा। ए
ज्यादा केले मत खाओ अंकल। एक और। हाँ ये लो। ओहो, यात्रा तो हवाई जहाज में करते हैं लेकिन केले के छिलके को कहाँ फेंकना है, इतनी भी अकल नहीं है मूर्ख कहीं के। कौन है, कौन है, कौन है यहाँ पर जो इस तरीके से केले को खाकर उनके छिलकों को मेरे ऊपर फेंकता ही जा रहा है? कौन है? ये क्या देख रहा हूँ, ठाकुर साहब और राम मोहन जी का परिवार एक साथ एक ही बोट में एक ही छत के नीचे यात्रा कर रहे हैं। सुनो भाई, दोनों परिवारों में सुलह हो गई। देख रहे हो ना, डाउट किस लिए? क्या बात है, ये नजारा देखने के लिए हमारी दोनों आंखें कम पड़ेंगी। मुझे याद है एक ज्योतिषी ने 25 साल पहले आप दोनों के परिवारों के बारे में कहा था कि आप सब एक होंगे, और उस वक्त इस दुष्ट शास्त्री ने कहा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। अब बोल, हुआ कि नहीं पॉसिबल? एकदम चुप, जुबान मत खोलना। ए कौवे, मुझे सीख दे रहा है, इतना होशियार हो गया है तू? कौन है ये? राम मोहन साहब है। उस दिन मैंने क्या कहा था, एक ना एक दिन ये ठाकुर साहब के पैर पकड़ के ही रहेंगे, कहा था ना, देख लिया? हेलो, तुम्हारा शरीर तो बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि बड़ी नहीं हुई। क्या क्या हुआ? उस दिन कहा था ना, इस जन्म में ये दोनों परिवार एक नहीं हो सकते, कहा था ना, शांति से एक हो गए ना, गलती मान लो और मुंह पर थप्पड़ मार लो। क्या हुआ, हस्त रेखा देख रहे हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग तो काम करता नहीं, कान से सुनाई भी नहीं देता, मार लो, गाल पे थप्पड़ मार लो। क्यों भैया, झूठ बोलकर मुझे फंसा दिया, उस सांड की मार खाकर कान का साउंड बॉक्स ऑफ हो गया, एक हफ्ता लगेगा रिपेयर होने में। मेरी काली जीभ है, जो कह दिया वो होके रहेगा, ये दोनों परिवार इस जन्म में एक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, ये मेरा श्राप है। अरे थप्पड़ पड़ा, साउंड भी सुना लेकिन दोनों गायब कहाँ हो गए? अरे रे 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 रे, हे भगवान, उनसे कहा एक होंगे तो वो मारते हैं, इनसे कहा एक नहीं होंगे तो ये मारते हैं, कहाँ जाऊँ भगवान? मंगलम कौशलेंदाया मणि अग्नाब्दे चक्रवर्ती तनुजाया सार्वभौमाय मंगलम श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। भगवान, कुछ ऐसा करो कि अगली रामनवमी पे मैं और रवि पति पत्नी बनकर तुम्हारे दर्शन के लिए आए। हे भगवान, इन दोनों परिवारों को एक कर दो, दादाजी मुझे उनका पोता माने, ऐसा करो मेरे और तनु के प्यार को वो बस अपनाए। श्री रामनवमी के दिन शादी की सालगिरह होना अत्यंत शुभ होता है ठाकुर साहब, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। सामान्य रूप से शादी के बाद पति पत्नी बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन वो दिन एक विशेष दिन है, यदि उस दिन उम्र में इनसे छोटे लोग इनके पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे तो उनके जीवन के लिए अत्यंत ही शुभ होगा, इसलिए आप सबको इनके पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। अरे बच्चों भागो मत, गिर जाओगे, और यही खेलते रहना, यहाँ से बाहर चले गए तो गुम हो जाओगे। भैया मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए। ये आइसक्रीम। हाँ, तुम यहीं खड़े रहकर 5 तक गिनते रहो, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। भैया, 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 भैया। क्या हुआ बेटे, अकेले खड़े हो, गुम हो गए हो क्या? नहीं अंकल, मेरे साथ 14 लोग आए थे, वो लोग सब गुम हो गए हैं। तुम्हारे साथ आए हुए 14 लोग गुम हो गए और तुम अकेले उन्हें ढूंढ रहे हो? गुम होने वाले वो लोग नहीं है, गुम तुम हुए हो। सॉरी यार मुन्ना, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम रो क्यों रहे हो बेटा? तुम्हें अब पता चला क्या? अब तुम सही कह रहे हो कि तुम गुम हो गए हो, रुको तुम्हारे लोगों को ढूंढते हैं। किसका बच्चा, किसका बच्चा है? सर, वो डबल साइज डबल मूंछे में आ रहे हैं ना,
उनका ही ये बच्चा है। सचमुच में उनका है? हाँ सच में उनका है। तुम सच बोल रहे हो? बहुत अच्छे से पता है मुझे। कैसे कह सकते हो कि उन्हीं का बच्चा है? उस बच्चे का भाई मैं ही हूँ। ओ तुम उसके भाई हो तो ठीक है। भाई था? ये क्या है, ये कहाँ गायब हो गया जादू मंत्र की तरह? हेलो साहब, एक मिनट, ये बच्चा किसका है आप जानते हैं? ये तो पार्वती का बेटा है जी। ए, ये बच्चा कौन है हमें नहीं पता। नहीं अंकल, ये झूठ बोल रहे हैं, ये तो हमारे घर के बाजू में ही रहते हैं। क्यों सर, बच्चा कह रहा है कि आप उनके बगल में रहते हैं फिर भी आप इसे पहचान नहीं रहे? आप दोनों के बीच में कोई भी झगड़ा होगा उसे अपने तक ही रखिए, छोटा बच्चा है, इसे घर छोड़ दीजिए। रो मत बेटा। दादी दादी, हम गुम गए हैं या सही जा रहे हैं? सही जा रहे हैं बेटा। दादाजी, दादी जी थक गई है, थोड़ी देर आप मुझे उठा लो ना। अरे अरे ये संदीप कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा? तूने देखा है क्या? पता नहीं। अरे कहाँ गया? अभी तो यहीं था। कार्तिक, तुमने संदीप को देखा क्या? नहीं माँ। यहीं आसपास कहीं होगा, ढूंढो उसे। अरे रे, अब भीड़ भाड़ में कैसे ढूंढेंगे, कहाँ चला गया? भगवान आप भी कुछ कीजिए। दादी माँ वहाँ देखिए। भगवान की दया से तुम उन्हें मिल गए, पता है नहीं तो क्या होता। ए संदीप, कहाँ चला गया था? वो आइसक्रीम दिलवाऊंगा कह के रवि भैया। ए संदीप चुप रहे, आइसक्रीम चाहिए तो किसी के साथ भी चला जाएगा क्या? इडियट, नॉनसेंस। ये क्या हुआ? रवि सच बताओ, संदीप को तुम ही लेकर गए थे ना? बड़ी सीबीआई ऑफिसर है, पता लगा लिया तूने, देखा सेंटिमेंट कैसे वर्कआउट हो गया। अच्छा ठीक है, भगवान से तुमने क्या मांगा बताओ तो। दिल की चाहत दूसरों को बताएंगे तो मन्नत पूरी नहीं होती। मेरी बात मान लो, मन्नत पूरी होगी। क्या करना होगा? इस तालाब में 3 मिनट डूबे रहोगे तो मन्नत पूरी हो जाती है। बस इतना ही? हे रवि, मैं मजाक कर रही थी। अरे 3 मिनट पानी में डूबे रहोगे तो इट्स डेंजरस। टाइम देखो। देखो रवि, 3 मिनट नहीं, 2 मिनट काफी है। चुपचाप टाइम देखो। रवि, क्या है? हाँ? पागल हो गए हो क्या तुम? मजाक की भी कोई लिमिट होती है? मैंने तुमसे 2 मिनट कहा था ना, इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मुझे एक पल के लिए लगा कि तुम्हें कुछ हो गया, मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। प्लीज रवि, डोंट एवर डू दिस अगेन। मैं भी इन दोनों को कब से देख रहा हूँ, झगड़े से शुरुआत हुई और दोस्ती में बदल गई, अब प्यार की गाड़ी चल पड़ी है, अब आगे देखते हैं। अनारकली अनारकली, कहाँ छुप कर बैठी हो, बाहर आ जाओ। पैर हटाइए। क्या कर रहा है तू? पैर हटाइए अनारकली। अरे कहाँ छुप गई? पैर हटाइए भाई, दिलरुबा। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं आप अनारकली? अरे प्यारी अनारकली कहाँ गई? कौन है? हट। अरे पैर हटाइए। क्या ढूंढ रहा है भाई, नीचे कुछ खो गया है क्या? हाँ साहब, मेरी सोन परी, मेरी दिलरुबा, अपनी अनारकली को ढूंढ रहा हूँ साहब। अनारकली कौन है, तेरी बेटी है? इतनी छोटी है क्या? इतनी लंबी है साहब। बच्चों को इतना छोटा इतना बड़ा कहते हैं,
रस्सी मापने की तरह इतनी लंबी कह रहा है तू? नीचे से ऊपर तक नापे वो इंसान नहीं है साहब, मतलब सांप है वो। सांप है क्या? कुछ कहा क्या? कुछ कहा क्या? बात तो करो ना। अरे मूड आउट क्यों कर रही हो? खुश कर रही हो? पूछा तो बात नहीं कर रही हो। हे, मूड ऑफ क्यों है तुम्हारा? उस तरफ क्या देख रही हो? अरे फुसफुस कर रही हो, कहकर पूछा तो फुसफुस। अलग मतलब होगा। क्या हुआ? अनारकली, अनारकली। अच्छा चोर, यहाँ छुपी हो? हेलो मैडम जी, मैंने अनारकली को पकड़ लिया, अब तो उनको छोड़ दीजिए। अच्छा चांस है, लगे रहिए, लगे रहिए। देखिए साहब, मुंह के पास क्यों ला रहा है? दूर हटा। ये कुछ भी नहीं करेगी साहब, मदर इंडिया की तरह है। छूकर नमस्ते करो, सब अच्छा हो जाएगा। छूए छूकर नमस्ते क्यों करूं? भगवान की मूर्ति है क्या? ले जाए यहाँ से, थैली में डाल। अभी इतना ट्रेंड नहीं है कि थैली में डालूं, थैली पकड़ा है, अभी इसके दांत भी नहीं निकाले हैं। ले जाए यहाँ से, जा जल्दी। क्यों भैया, सांप मिला क्या? हाँ मिल गया, ले आओ। जान बच गई। भाई के बाजू में बहन, अनु की गोद में इनका बच्चा, इनके सारे बच्चे दादी के पास है। चलो आ जाओ इधर, तुम जाओ उधर, चलो आओ। आहा, ये सब उस नाग देवता की महिमा है। घर चले क्या? नाव किनारे पहुंच गई है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रहे हो? चलो 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 मालिक, गन्ने के खेत में हाथी घुस गए। अरे डंडा लेके आओ। ठीक है पिताजी। अरे मुनीम, जाके ढोल वाले लाओ। श्रीमती बेला चंदा की तन्नु, एम बी बी एस। इसके आगे नाना नानी के नाम की तरह मेरा नाम, रवि का नाम हमेशा साथ रहेगा। सबके आ जाने के बाद आ रहे हैं आप। तो क्या हुआ, टाइम पर तो आया हूँ ना। ये कौन है? हमारे भास्कर का बेटा है। ये भी उसी की तरह है क्या? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मतलब इस घर में धोखा तो नहीं देगा? जाते जाते आपको पता चल जाएगा। आइए। ये अच्छी है क्या? देखिए ये अच्छी है, ये देखिए। रवि, सारी साड़ियाँ अच्छी है इसलिए वहाँ पर रखी हैं। तू क्यों निकाल रहा है? आपके पसंद की साड़ी पहनी है, सालगिरह का न्योता देना है। सबको न्योता दे चुके हैं,
अब किसको बुलाना है? सबको बुलाया गया? इस घर की बेटी अपनी ननंद को बुलाए? अरे अरे, वहाँ कैसे जाएंगे? हमारा चेहरा देखते ही दरवाजा बंद किया तो? खुलवाने के लिए मैं हूँ ना, मैं कौन हूँ? आपका पोता हूँ। पसंद की साड़ी पहन के रेडी हो जाइए, मैं लेकर जाऊंगा दादी। क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गई? अंदर आओ ना। आओ आओ। ये मुन्नी भी कहाँ चल? भाभी। दादी माँ, न्योता देने के लिए आई हो ना, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। अरे कौन आया है यहाँ? कोई नहीं है जी। लेकिन आवाज तो मुंबई वाले जैसी लग रही है। आपको हर आवाज उसकी ही लगती है। ए, बताओ ना कौन आया है? आवाज तो उसी की है। वही आया है क्या? जल्दी पानी डालो, पानी डालो जल्दी से। अरे क्या किया, क्या डाल दिया? पागल हो क्या? मैंने कहा पानी डालो तो तुमने हल्दी डाल दी। अरे आंखें चल रही है मेरी। पानी नहीं है जी। पानी नहीं है, लेकर आती हूं। जाओ जल्दी लेकर आओ। जानकी, अगले पूर्णिमा के दिन तुम्हारे भैया और मेरी शादी की 60वीं सालगिरह है। जो कुछ हुआ उसे बुरा सपना समझकर आप सबको जरूर आना होगा। दादा दादी के जीवन में आने वाला अहम शुभ कार्य है, इसलिए हम आए हैं। हम सभी तो रहेंगे, पूरा गांव भी आएगा। उस घर की बेटी, बड़े दामाद नहीं आएंगे तो शुभ कार्य में शोभा नहीं आएगी। कृपा करके आ जाइए। मालिक मालिक, ताला में पानी बढ़ने की वजह से डैम में दरार आ गई है, पानी बाहर की तरफ आ रहा है। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, इसे डालो, जल्दी जल्दी जाओ, लेकर जाओ, आगे बढ़ो, लेकर वहाँ जाओ, वहाँ रखो, ले जाओ, ले जाओ, वहाँ डालो, जल्दी करो, ये लीजिए, हाँ, वहाँ रखो, ले आओ, ले आओ, ले आओ, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, रुकिए। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए एक रास्ता है मेरे पास। मेरे खेत के बगल से खोदोगे तो अच्छा होगा। चलो। क्या बात है, कहाँ जाने की तैयारी है इतना सच समर कर बिना मुझे बताए? घर वाले सभी गुजरे हुए दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हो सकता है कि पिताजी भूल जाएं। उस घर में तुम किसी मंगल कार्य में नहीं, किसी मरने पर ही जाओगी। हाँ जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, या यही पे रात गुजारनी है तुम्हें? रवि बेटा, तुम्हारे दादाजी आज बहुत खुश हैं, यही सही समय है, जल्दी जाओ तनु के साथ अपनी शादी के लिए उन्हें मना लो। देख लिया ना मालिक, इस घर में एक शुभ कार्य होने की वजह से सभी कितनी खुशी से झूम रहे हैं। वैसे हमारे घर में भी एक शुभ कार्य होगा
तो हम भी खुशी से झूम सकते हैं। अभी भी ये घर वो घर ऐसा क्यों बोल रहे हो? दोनों घर अब एक हो गए हैं। नहीं मालिक, अभी एक नहीं हुआ है। आपके बेटे बहू अभी इस घर में आए नहीं हैं। अगर उनके दिल की नफरत हमेशा के लिए खत्म करनी है तो इस घर की लड़की हमारे घर की बहू बननी चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इतना भी नहीं समझते? शिव कुमार की बेटी तनु इस घर की, फॉरेन में पढ़ने वाले अन्नू का बेटा हमारे घर का। अगर इन दोनों की शादी हम करवा देंगे तो तब ये दोनों घर एक हो जाएंगे। सही कहा, वो समय ठीक नहीं था। हम सब झगड़े से अलग हो गए थे, इस शादी से तो हम सब एक हो जाएंगे। क्या कहते हैं? मेरी नवासी अगर मेरी बहन के घर जा रही है तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी जीजाजी? शिव बेटा। जी पिताजी। तुम क्या कहते हो? सोच रहा था कि तनु की शादी पुराने रिश्तों में ही हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और वैसे भी प्रकाश फॉरेन में पढ़ रहा है। अब ऐसे में इस शादी से मुझे क्या एतराज हो सकता है? रवि बेटा, अब देर मत करो, वहाँ सगाई पक्की होने से पहले अपने दिल की बात दादाजी को बता दो, जल्दी जाओ बेटा। भैया, बहुत सालों से मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। खुशी भरे इस घर में अगर मेरा बेटा दामाद बनकर आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भैया क्या कहते हो जीजाजी, एक अच्छा सा दिन देखकर दोनों की सगाई कर देते हैं? सिर्फ सगाई क्यों, शादी का भी मुहूर्त जल्दी निकाल देंगे। ऐसा ही होगा जीजाजी, जैसे आपकी मर्जी। जानकी। हाँ। रवि, जब से तुम इस घर में आए हो शुभ कार्य ही होते आ रहे हैं। एक पोता होकर तुमने इतना कुछ किया है, लेकिन दादा होकर भी मैं कुछ नहीं कर सका बेटा। तनु की शादी होने के बाद तुम्हारी भी शादी होगी। तुम किसी से अगर प्यार करते हो तो बता दो, उसी लड़की के साथ तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इससे पहले तुम्हारे पापा के मामले में जो गलती हुई वो दोबारा नहीं करूंगा। मैं खुद आगे रहकर तुम्हारी शादी करवाऊंगा बेटा। हाँ, ये तुम्हारे पापा की चेन है, ये चेन तुम मेरे ही हाथों से पहनोगे, यही इच्छा थी ना तुम्हारी? मेरा बड़ा बेटा तो अब नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर तुम खड़े होकर तनु की शादी करवाओगे ना बेटा? ठीक है दादाजी। तेरा ड्रेस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा दीदी, एक मिनट। क्या बात है? क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे मेरी नहीं बाबा, नाना नानी की शादी की सालगिरह थी और वो हो गई। वो शादी नहीं दीदी, वो जो फॉरेन से आए हैं ना, अनुबुआ का बेटा प्रकाश, उनके साथ आपकी शादी की बात कर रही थी मम्मी। रवि कहाँ है? रवि, तुम्हें पता चला क्या? वो जो फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था वो अनु आंटी का बेटा प्रकाश, उसके साथ मेरी शादी होगी। हाउ फनी। इसमें फनी क्या है? और नहीं तो क्या, वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कुछ भी तो नहीं पता। और शादी करने के लिए एक दूसरे को जानना और समझना जरूरी है, या फिर हमारी तरह एक दूसरे से प्यार करने वाले हो। हंस क्यों रहे हो? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात सुनकर हंसी आई। ए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमने प्यार नहीं किया है। ओहो, forget it, okay? जब से आए हो किसी ना किसी तरह मुझे तंग कर रहे हो, लेकिन अब बात हम दोनों की जिंदगी की है, अपने घर वालों को अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। सबके साथ जैसा रहता हूँ, तुम्हारे साथ भी दोस्ती की मैंने। बुआ की बेटी हो इसलिए मजाक में थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गया, इसी को तुम प्यार और मोहब्बत समझ बैठी? पागल हो। समझ गई, अच्छे से समझ गई, मैं ही पागल हूँ। जब भी मैं तुमसे
मुझे भी एक देना। ये मेरा नहीं, 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 मेरी बोट है। मुझे दो ना। ये तनु, तुम मेरी जान हो, मेरा सब कुछ हो, ये जहां तेरे बगैर कुछ भी नहीं। आई लव यू, आई लव यू। ए मधु, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ मालिक। यार ए, दरवाजे पर माला नहीं लगाई, जल्दी लगाओ, जाओ जाओ। ए चलो, रेडी हो जाओ, चलो। रवि, देख रहा है ना शादी की तैयारियां कितनी धूमधाम से हो रही है। हाँ माँ, शादी तो ठाकुर साहब के नवासे की हो रही है ना, इतना तो सब बनता ही है। अच्छा, इस बात को मेरी आंखों में देख के बोल। हे, फूल लेकर जाना भाई। वही जा रहा हूँ। माँ एक मिनट आए। रवि, तनु की शादी हो रही है, पता है ना तुझे? क्या माँ, सब कुछ जानता हूँ मैं, दोबारा क्यों पूछ रही हो? खुशी की बात तो है ये। मैं तेरी माँ हूँ बेटा, सारा दर्द अंदर छिपा कर बाहर से हंस रहा है तू। ये सब किस लिए माँ? सच बता, तुझे तनु से प्यार नहीं है? किया था माँ, मेरी जान से बढ़कर उससे प्यार किया था। उसके साथ बिताए 10 दिन 10 साल बिताने के बराबर थे। भूल नहीं सकता उन्हें माँ, तनु को भूल नहीं सकता मैं। जिससे प्यार करता है उससे दूर रहकर तो कैसे जी पाएगा बेटा? आओ माँ, ये देखो, वहां देखो, दादा दादी चाची बुआ बच्चे सभी कितने खुश हैं। इन सभी को इसी तरह खुश देखना हो तो मुझे तनु को भूलना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं माँ। घर वालों की खुशी के लिए मुझे क्यों धोखा दिया? अगर तनु पूछेगी तो क्या कहेगा तू? मैं तुमसे शादी करूंगा तो दोनों परिवार झगड़कर खत्म हो जाएंगे, तब लाशों के बीच हम दोनों बैठकर रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। बड़ों की पसंद के लड़के से शादी करके 100 साल तक जियो कहूंगा। ये बात अगर वक्त पे तेरे पापा समझ जाते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते और आज तेरी आंखों में ये आंसू नहीं होते बेटा। अब बस एक दिन बचा है माँ, हम ये शादी करा के चले जाएंगे। मुंबई से यहाँ कुछ नेक काम करने आए थे ऐसा सोच लेंगे। रवि, अगर तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया होता तो आज मैं तेरे पैर छू लेती बेटा। माँ ये क्या कर रही हो? माँ के हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए होते हैं माँ, बेटे के सामने जोड़ने के लिए नहीं। जाओ माँ, तुम ही तनु को सजाकर सदा सुहागन का आशीर्वाद दो। अगर मैं शादी में शर्ट और पैंट पहनूंगा तो कैसा लगूंगा? तेरे ऊपर सूट नहीं करेगा। सुशीला, यहाँ आओ। छोटे भैया, जब मुझे तकलीफ हो रही थी तो मुझसे ज्यादा तुमने आंसू बहाए थे। आज एक दिन के लिए अपना गुस्सा थूक दो भैया, शादी में आओगे ना? अगर मैं वहां पे आया तो मुंबई वाला वहां जरूर होगा और उसे देखकर मेरा खून खौलने लगेगा। शादी मेरे बेटे की हो रही है भैया, मतलब तुम्हारे भांजे की। मेरा सुहाग खोने के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार खुशी का मौका आया है। तुम वहां आकर अपने भांजे के सर पर अक्षत डालकर आशीर्वाद दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आओगे ना? ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं बाद में आऊंगा। चलो भाभी। आइए, नमस्ते, आइए ना, आइए। नमस्ते।
दोनों से। भैया भैया, तनु दीदी ये लेटर देकर गई है। तनु का? ये लेटर तुमको देने को कहा, अब गुस्से में चली गई। क्या बात है रवि बेटा? चाचा, तनु गांव छोड़ के जा रही है। हाँ? ये बात किसी को मत बताना, मैं जाकर लेकर आता हूँ। हाँ? तनु, क्या ये सब? ऐसे वक्त ऐसा करना ठीक नहीं है, चलो अब। नहीं, ये कहोगे कि तुम मुझसे शादी करोगे तो आऊंगी, ये कहो कि शादी के मंडप में मेरे साथ बैठोगे तो आऊंगी। तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाऊं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रेमिका बनकर मर तो सकती हूँ, लेकिन किसी और की पत्नी बनकर जीते जी मुझे मत मारो। तनु, हमारी शादी होगी तो सिर्फ हम दोनों सुखी होंगे, बाकी के लोग उनके बारे में भी सोचो ना। मुझे किसी और की परवाह नहीं है, मेरे लिए मेरा प्यार जरूरी है। प्यार के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हो ना, लेकिन तुमने प्यार ही कुर्बान कर दिया। मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। जानकी, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, वधु को जल्दी लेकर आओ। दीदी रहेगी तब ना आएगी, गुस्से में वो तो चली गई। चली गई? क्या कह रहे हो, कहाँ चली गई वो? अरे मुन्ना, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो चलो, रुक जा बेटा। मुन्ना, तनु कहाँ? तनु दीदी, बोलो कहाँ है तनु? तनु दीदी ने कहा रवि भैया को ये लेटर दो और वो यहाँ से चली गई। और रवि कहाँ है? बोलो। रवि भैया भी तनु दीदी को ढूंढने गया है। पिताजी, देख लिया आपने? मना करने पर भी प्यार में अंधे होकर आपने ये रिश्ता तय किया, देख लिया नतीजा? उस दिन बाप ने धोखा दिया था, आज बेटे ने दिया है। उस दिन बाप बिना किसी को बताए मंडप से भाग गया था और आज उसी का लड़का दुल्हन को लेकर भाग गया। धोखा देना इस परिवार की पुरानी आदत है पिताजी, जो मैं कभी नहीं चाहता था वही सब हो रहा है। जब दीदी की शादी हुई थी तो मैं छोटा बच्चा था, लेकिन आज मैं जिगर वाला मर्द हूँ। चलो आओ, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। हेलो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम लोगों की वजह से मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इससे पहले वो गांव से बाहर जाए उसे यहीं गाड़ दूंगा। ए पुरोहित जी, बैंड बाजा वालों, आप सब लोग यहीं रहेंगे, पहले शादी उसके बाद श्राद्ध करेंगे, चलो आओ। तनु, जरा मेरी बात तो सुनो। सुन ली रवि, तुमने माँ से जो बात की थी वो सब सुन ली मैंने। अपनी डायरी में मेरे बारे में तुम्हारा लिखा हुआ हर एक पन्ना मैंने पढ़ा है, हर एक शब्द में मैं हूँ। मुझ पर इतना प्यार नछावर कर चुके हो तो फिर ये सब क्यों? अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हो? अब मुझे जाने दो। तनु, अब अगर तुम नहीं आओगी तो जानती हो ना क्या होगा? जानती हूँ, पर एक लड़की का दिल बच्चों की स्लेट जैसा नहीं कि तुम मिटा मिटा कर फिर लिख दो। तुम मेरे दिल में बस चुके हो, हमेशा के लिए छप चुके हो। अब ये नाम इस जन्म में नहीं मिटेगा रवि। दुल्हन को उठा ले जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? भैरव, नहीं, ये झगड़े का समय नहीं है। तनु को शादी के लिए मना कर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे देखकर नाटक कर रहा है, अगर मैं टाइम पे नहीं आता तो ट्रेन में अपने बाप की तरह तू भी भाग गया होता है ना? भैरव, मेरी बात तो सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। क्या बात सुनूं मैं तेरी? मैं मौके के इंतजार में था, वो आज मिला है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
जीजा जी, पहले भी हमारे द्वारा आपका अपमान हुआ था, खून भी बहा था, आज भी वही हो रहा है। अगर हमें अपने परिवारों को बचाना है तो फिर एक ही रास्ता है। इस परिवार में सबसे बुजुर्ग मैं हूँ, तो इस गलती की सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। ये लो। सभी छोटे बड़ों को साक्षी मानकर, मेरे परिवार वालों को साक्षी मानकर, अग्नि कुंड को साक्षी मानकर, ये उठाओ और मुझे मारो। उसकी गलती का मतलब है ये गलती मैंने ही की है, क्योंकि उसने नाम भी मेरा ही रखा है, वीर प्रताप रविराज। उठाओ, समझ लेना कि तुम उसे ही मार रहे हो। मारो मुझे। नहीं मालिक, ऐसी बात मत कीजिए, ऐसी बात मत कीजिए मालिक। हमारे रवि बाबू कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, करेंगे भी नहीं। तुम चुप रहो। मैं तो चुप ही रहूंगा मालिक। रवि बाबू इतने दिनों तक चुप रहे थे, इसीलिए सब अनाप शनाप बोल रहे थे। लेकिन आज सच बता दूंगा, रवि वर्तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन इन दोनों परिवारों को एक करने के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और मानो का गला घोट दिया। आज भी रवि बाबू तनु को भगा कर नहीं ले गए, बल्कि उसे इस शादी के लिए मना कर लाने गए हैं। और ऐसे इंसान को रवि को तुम गलत समझ रहे हो। तनु को शादी के लिए मनाने के लिए वो यहाँ पे आया था। दादाजी, आप तो मुझे समझिए। मैं समझ गया बेटा, लेकिन जो कुछ नहीं होना था वो सब होने के बाद समझा बेटा। हमारे दोनों परिवारों को मिलाने के लिए तुम अपनी जान कुर्बान करने चले थे बेटा। एक बार तो मुझसे कह दिया होता कि तुम तनु से प्यार करते हो। कहता तो क्या कर लेते। तुम चुप रहो। मेरा, तुम मेरा खून देखना चाहते थे, लेकिन उसी खून के रिश्ते के लिए इज्जत देकर सबको एक करने की कोशिश मैंने की। इसके खातिर मेरे सच्चे प्यार को मैंने दूर कर दिया। भैरो, आज के बाद तो दुश्मनी भूलकर सब एक हो जाओ। मुझे मारकर ही तेरा गुस्सा ठंडा होने वाला है, तो आओ मारो मुझे। प्यार की कुर्बानी देने वालों को जान का डर नहीं। नहीं, रवि को मत मारो प्लीज। अगर आप हमें पति पत्नी की तरह नहीं देख सकते हैं, तो मुझे भी इनके साथ मार डालो और हम दोनों को मार के एक ही जगह दफना दो, एक ही साथ दफना दो। मालिक, ठाकुर साहब, राम मोहन साहब, मैंने सुना है आप लोग एक हो गए हैं, ये खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। अगर ये सच है तो ही अंदर आऊंगा, वरना यहीं से बाहर चला जाऊंगा। पंडित जी रुकिए। क्या हुआ पंडित जी, गाल क्यों छिपा रहे हो? सेफ्टी के लिए। आप डरने की जरूरत नहीं है, अंदर आ जाइए। उस दिन नाव पे मारा था, आज लगता है घर में पिटाई करोगे क्या? अरे पंडित जी, उस दिन के भैरव में और आज के भैरव में फर्क है, अब हम सब एक हो गए हैं। आइए आइए, अंदर आइए। अरे पंडित जी, कभी मुझे देखकर सिर्फ गांव वाले नहीं, रवि तनु भी अलग हो गए थे, अब मैं ही इन दोनों को मिला रहा हूँ। तनु, जाओ बेटी, जाओ जाओ। एक अच्छा मुहूर्त देखिए, दोनों की शादी करा देते। शादी तो क्या, सुहाग राज का भी मुहूर्त निकालूंगा।